नमस्कार मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट क्लास की जो एडवांस्ड इकोनॉमी में काफी पॉपुलर है बट इंडिया में अभी इनिशियल स्टेजेस पर है एक ऐसी ऐसे क्लास है जो बिना रियल एस्टेट ओन किए ओन रियल एस्टेट के बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है जी हाँ हम बात करने वाले हैं रीट्स की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रीट्स क्या होते हैं ये कैसे काम करते हैं रीट्स कितने टाइप्स के होते हैं एक रीट और एक रियल एस्टेट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है रीट में इन्वेस्ट करने के क्या प्रोज है क्या कॉन्स है और इंडिया में करंटली टॉप थ्री रीट्स कौन से हैं तो सबसे पहले जानते हैं वॉट आर रीट्स रीट की फुल फॉर्म है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये वो कंपनीज हैं जो इनकम जनरेटिंग रियल इस्टेट को खरीदती हैं ऑपरेट करती हैं और कभी कभी फाइनेंस भी करती हैं रीट्स किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज ओन कर सकती हैं जैसे कि कमर्शियल रियल स्टेट दैट इंक्लूड्स ऑफिस बिल्डिंग्स कमर्शियल पार्क्स मॉल्स हॉस्पिटल्स एंड होटल्स इसके अलावा रेजिडेंशियल रियल एस्टेट लाइक अपार्टमेंट्स सिंगल होम्स एंड स्टूडेंट हाउसिंग 1960 में रीट सबसे पहले यूएसए में फॉर्म हुआ था जिसे क्रिएट करने के पीछे मोटिव ये था कि एवरीडे इन्वेस्टर्स को इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट के लार्ज स्केल एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिले जिस तरह दूसरी एसेट क्लासेस जैसे कि ट्रेडेबल एंड लिक्विड सिक्योरिटीज में वो टिपिकली इन्वेस्ट करते हैं रीट म्यूचुअल फंड्स की तरह ही स्ट्रक्चर्ड है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की तरह ही रीट में की गई पूर्ण इन्वेस्टमेंट से जनरेट हुए गेंस में रीट इन्वेस्टर्स का क्लेम होता है और उन इन्वेस्टर्स को प्रॉपर्टी खरीदने में बड़ा पैसा भी नहीं लगाना पड़ता शेयर और ईटीएफ की तरह ही रीट्स के यूनिट्स भी एक्सचेंज पर ट्रेडेबल है जो लिक्विडिटी और ईज ऑफ यूसेज प्रोवाइड करती है अलॉन्ग विदेफिट ऑफ रियल एस्टेट एक्सपोजर अब ये जानते हैं कि रीट्स काम कैसे करते हैं रीट्स मोस्टली रियल एस्टेट कंपनीज ही फॉर्म करती है स्पॉन्सर फॉर रीट वेन इट इज फॉर्म स्पॉन्सर एक न्यूली फॉर्मड कंपनी या ट्रस्ट के मेजोरिटी शेयर होल्डर या प्रमोटर की तरह होता है फिर स्पॉन्सर एक ट्रस्टी अपॉइंट करता है जो ट्रस्ट की रियल एस्टेट एसेट्स को होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि स्पॉन्सर का इन एसेट्स पर डायरेक्ट कंट्रोल ना हो फिर ट्रस्टी एक मैनेजर अपॉइंट करता है जो ट्रस्ट की एसेट्स को मैनेज करता है और ट्रस्ट के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है इन सबके बाद रिटेल शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए रीट मार्केट में फ्लोट होता है

There are many different types of REITs depending upon the type of real estate that they are investing in. The most prominent ones are First, office REITs, owning office space. Second, industrial REITs, which warehouses or other industrial space own. Karte Third, retail REITs, which shopping malls or stores own. Karte Fourth, resort REITs, owning hotels and resorts. Fifth, residential REITs, owning houses and apartments. Sixth, healthcare REITs, to hospitals and nursing homes own. Karte Seventh, mortgage REITs, owning mortgages. एथ डाइवर्सिफाइड रीट्स ओनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज अब बात करते हैं कि एक रियल एस्टेट कंपनी और एक रीट के बीच में क्या डिफरेंस है एक रियल एस्टेट कंपनी का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है रियल एस्टेट डेवलप करना और उससे बेनिफिट्स डिराइव करना वही रीट्स के लिए मैंडेट है कि उनकी एटलीस्ट एटी परसेंट एसेट्स फिनिश्ड प्रॉपर्टीज हो और उन प्रॉपर्टीज से इनकम डिराइव करें दोनों कॉन्सेप्ट में अमाउंट ऑफ रिस्क भी डिफरेंट है जैसे कि रीट्स में फिनिश्ड प्रॉपर्टीज होने की वजह से रिस्क कम हो जाता है रीट्स को इंट्रोड्यूस करने के पीछे सोल पर्पस यही है कि एवरीडे इन्वेस्टर्स के लिए रियल एस्टेट क्लास में इन्वेस्ट करना इजी हो सके साथ ही साथ वो टैक्स एडवांटेजेस भी इंजॉय कर सके जो रियल एस्टेट कंपनीज में इन्वेस्ट करने पर अवेलेबल नहीं होते फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड या इनकम जो रीट अपनी किसी प्रॉपर्टी या एसपीवी यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल से रिसीव करता है उन पर अप्लाई होने वाले सभी टैक्सेस एग्जेम्ट होते हैं और चलिए अब बात करते हैं रीट्स के प्रोज की रीट आपको रियल एस्टेट में मैसिव अपफ्रंट कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऑब्लिगेशन के बिना आपको रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है वहीं छोटे शेयर होल्डर्स जो डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज को ओन नहीं कर सकते उनके लिए ये डायवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है रियल एस्टेट के बड़े इशूज जैसे कि इन और लॉन्ग टाइम पीरियड इन कंप्लीटिंग ट्रांजेक्शन रीट से सॉल्व हो जाते हैं रीट्स के सारी प्रॉपर्टीज प्रोफेशनली मैनेज की जाती हैं। ताकि यूनिट होल्डर्स और एसेट ओनर्स को इनकन्वीनियंस कम से कम हो अपने ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो को डिस्ट्रीब्यूट करने की मैंडेट की हेल्प से रीट्स शेयर होल्डर्स को रेगुलर और स्टेडी सोर्स ऑफ कैश फ्लो इनकम प्रोवाइड करते हैं रीट्स कैपिटल एप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करते हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है और अब बात करते हैं रीट्स में इन्वेस्टमेंट के कॉन्स की ऑल दो रीट्स में एंटिटी के लिए टैक्स एडवांटेजेस हैं बट इन्वेस्टर्स के लिए किसी भी तरह का स्पेसिफिक टैक्स एडवांटेज नहीं है इसलिए शेयर होल्डर्स को रीट से मिलने वाली इनकम इनकम टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल है रियल एस्टेट सेगमेंट से एसोसिएटेड मार्केट रिस्क रीट पर भी होते हैं इज इन्वेस्टर्स को अपने इंडस्ट्री रिस्क काउंटर करने के लिए रीट्स लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स ही प्रोवाइड कर पाते हैं रीट्स में रिटेंशन ऑफ ओनली टेन परसेंट कैश फ्लोज मैंडेट की वजह से रेट ऑफ कैपिटल अप्रिसियन फॉर रीट्स नॉर्मल रियल एस्टेट कंपनीज के कंपेरिजन में स्लो हो जाता है रीट्स ट्रेडिशनल रियल स्टेट के कंपेरिजन में बेटर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं बट इंडिया में रीट्स अभी भी स्मॉल स्केल पर है और स्टॉक्स और फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट्स के कम्पेरिजन में लेस लिक्विड है नॉ लेट्स टॉक अबाउट द टॉप रीट्स इन इंडिया यूएसए में रीट्स रियल स्टेट एसेट क्लास का एक मेजर पार्ट है विद टोटल ग्रॉस एसेट्स अब थ्री पॉइंट फाइव ट्रिलियन डॉलर बट रीट कॉन्सेप्ट इंडिया में नया है और टू थाउजेंड फोर्टीन में प्रूव हुआ है इसलिए रीच स्पेस में इन्वेस्टमेंट के लिमिटेड ऑप्शन है और तीन ही एंटिटीज लिस्टेड है सबसे पहली है एंबेसी ऑफिस पार्क रीट एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट इंडिया का पहला लिस्टेड रीट है साथ ही साथ एरिया ओन टर्म्स में एशिया का लार्जेस्ट रीट भी है ट्रस्ट 42.4 मिलियन स्क्वायर फीट रियल एस्टेट ओन करती है इसका ऑक्यूपेंसी रेट 88.5 परसेंट है और 193 से ज्यादा ब्लू चिप कंपनीज इसमें हैं इंक्लूडिंग गूगल फ्लिपकार्ट जेपी मॉर्गन कॉग्निजेंट एंड मेनी अदर्स कंपनी की वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी सिक्स पॉइंट की है और नेट एसेट वैल्यू रुपीज पर शेयर है एम्बेसी ऑफिस स्पार्क रीड मोस्टली ऑफिस स्पेसिस ओन करती है अलॉन्ग विद्यू होटल स्पेस एंड अ सोलर पार्क जिससे ऑफिस स्पेस को पॉवर प्रोवाइड होती है द ट्रस्ट हैज प्रॉपर्टीज इन बैंगलुरु विच इज सेवेंटी फोर परसेंट ऑफ एसेट्स मुंबई विच इज टेन परसेंट ऑफ एसेट्स पुणे विच इज नाइन परसेंट ऑफ एसेट्स एंड डेली एनसीआर सेवन परसेंट ऑफ एसेट्स फाइनेंशियल की बात की जाए तो एम्बेसी ऑफिस स्पार्क रीड्स ने पिछले एक साल में एट पॉइंट फोर थ्री परसेंट रिटर्न जनरेट की है करंटली कंपनी फिफ्टी टू पॉइंट सेवन एक्स पी और वन पॉइंट थ्री टू पीबी पर ट्रेड कर रही है रीट ने 28.1% परसेंट के नेट प्रॉफिट मार्जिन और 73% परसेंट ऑपरेटिंग मार्जिन रिपोर्ट किए हैं माइन स्पेस बिजनेस पार्ट रीट की माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रीट को के रहेजा ग्रुप स्पॉन्सर करता है इट है टोटल लीजिबल एरिया ऑफ थर्टींट टू मिलियन स्क्वायर फीट जिसमें से 23.8 थ्री पॉइंट एट मिलियन स्क्वायर फीट कंप्लीट हो चुका है इसका ऑक्युपेंसी रेट 84.4% है विद 165 एंड सिक्सटी फाइव प्लस टेनेंट्स जिसमें एक्सेंचर कॉलकॉम एल एन टी बार्कलेस एमेजोन जैसे नाम इंक्लूडेड है ट्रस्ट की वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी सिक्स पॉइंट सिक्स ईयर की एंड मोस्टली ऑफिस ओन करती है द ट्रस्ट हैज प्रॉपर्टीज इन मुंबई विच इज फोर्टी वन परसेंट ऑफ एसेट्स हैदराबाद फोर्टी पॉइंट फोर परसेंट ऑफ एसेट्स पुणे सिक्सटीन परसेंट ऑफ एसेट्स एंड चेन्नई टू पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ एसेट्स फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रीट ने पिछले एक साल में सिक्स पॉइंट वन वन परसेंट रिटर्न जनरेट की है कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो है पॉइंट टू फाइव एक्स और करंट रेशियो है पॉइंट टू सेवन एक्स माइंड स्पेट बिजनेस पार्क रीट फिफ्टी फोर पॉइंट नाइन एक्स पी और वन पॉइंट वन नाइन प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रही है रीट ने ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर परसेंट की नेट प्रॉफिट मार्जिनस और सेवेंटी फोर पॉइंट फोर परसेंट ऑपरेटिंग मार्जिन रिपोर्ट किए हैं नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट को ब्रुकफील्ड ए एमसी स्पॉन्सर करती है ब्रुकफील्ड वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स में से एक है विद मोर देन 600 बिलियन डॉलर्स ऑफ एसेट्स एज ऑफ मार्च 2021 थाउजेंड ट्वेंटी के पास 14 मिलियन स्क्वायर फीट का पोर्टफोलियो है और 8.2 मिलियन स्क्वायर फीट एक्वायर करने के राइट्स भी कंपनी का ऑक्यूपेंसी रेट 87 परसेंट है विद 118 टेनेंट्स इंक्लूडिंग एक्सेंचर टीसीएस एंड कॉग्निजेंट ट्रस्ट की वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी 7 इयर्स की है और एनएवी रुपीज पर शेयर है कंपनी मोस्टली ऑफिस स्पेसिस ओन करती है

रीट नेगेटिव 15.8 परसेंट के नेट प्रॉफिट मार्जिन और 58.7 परसेंट ऑपरेटिंग मार्जिन रिपोर्ट किए हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट रीट्स आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल हेल्पफुलस डोट फोर गेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप रीट्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं या फिर ट्रेडिशनल रियल स्टेट में यू वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट ग्रो हैज अ चैनल ऑन टेलीग्राम जहां पर स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और अपडेट्स भी पोस्ट किए जाते हैं सो so, अगर आप मार्केट और स्टॉक रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम चैनल राइट नाउ वी हैव इंक्लूडेड द लिंक टू आर टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन इज वेल हम आपको बता दें कि हम किसी भी स्टॉक या फंड को रिकमेंड नहीं करते हैं ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पजेज ऑन दैट नोट हैज मी गुंजन साइनिंग ऑफ बाय टेक केयर कीप काम एंड इन्वेस्ट ऑन investment in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares derivatives mutual fund and or other instruments traded on the stock exchanges